अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। तो अभी बन रहे हैं यहाँ पर सुबह, अभी हो रही है सुबह का टाइम, तो यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो अब मैं इसमें डाल रही थी सारे, ये जो मैं डालती हूँ सारे मसाले। तो साथ साथ में मैं डाल दी पहले प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, और सूखी लाल मिर्च, और बाकी जो सूखे मसाले होते हैं वो सब डालूँगी, और नमक, हल्दी, अमचूर पाउडर, ये सारे मसाले जो इसमें मिक्स कर लूँगी मैं डाल के। वैसे मैंने पराठों की रेसिपी तो पहले भी दी हुई है, पराठों में कुछ ऐसा है नहीं, हर घर में बनते हैं पराठे, सबके घरों में बहुत अच्छे ही बनते हैं। बस ये तो ये है कि जैसे मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भरता मिक्स कर लिया था पूरा अच्छे से, तो उसके बाद में अब गूँधेंगे आटा। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया, 2 कटोरी 3 कटोरी मैंने आटा लिया है, मैंने अपने घर के हिसाब से लिया है आटा, उसमें डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार, नमक डाल दिया, और साथ साथ में इसमें डालूँगी अजवाइन। तो अजवाइन क्रश करके डालूँगी इसमें, क्योंकि अजवाइन से क्या होता है इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है, तो इसलिए मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ पराठों में। तो बस इसमें अपने आटे को लगा लेंगे, गूँध लेंगे इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट करके। तो आटा भी मेरा गूँध चुका था, तो अब बनाएंगे यहाँ पराठे। तो यहाँ मैंने ले ली थी थोड़ा बड़ा सा पेड़ा मैंने लिया था, उसमें मैंने काफ़ी सारा भरता बन के अब बनाऊँगी पराठे। तो यहाँ पराठे भी मेरे तैयार हो रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। तो ये देखिए बन चुके हैं, यहाँ पर हमारे पराठे भी बन रहे हैं, बढ़िया से सिक रहे हैं। वैसे पराठों में है क्या, ये बहुत सिंपल से बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मौसम इतना अच्छा चल रहा है बारिश का, तो बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तली हुई चीज़ें, मतलब पराठे वगैरह हो गए, कचौरी वगैरह, ये सब बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हो चुका है यहाँ पर पराठा तैयार, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और हाँ, मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़।